सेशन कोर्ट में मामला कैसे चलेगा, तो यही सारी चीज़ बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 18 के अंदर। तो सीखते हैं सीआरपीसी सेक्शन 225 से लेके 232 तक। देखिए 225 क्या कहता है, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। भाई सेशन कोर्ट के अंदर जो मामला चलेगा, जो मामले का जो विचारण होगा ना, वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, किसके द्वारा संचालन किया जाएगा, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ही कंडक्ट किया जाएगा। यानी एवरी ट्रायल कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है 226 देखिए क्या कहता है, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। भाई प्रोसिक्यूशन के लिए केस कैसे ओपन होगा, तो ये चीज बता रखिए। तो केस ऐसे ओपन होगा भाई, जैसे ये जज साहब बैठे हुए हैं ठीक है कोर्ट के अंदर, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इल्जाम लगाए हैं, और ये है इनका प्रोसिक्यूटर इनकी तरफ से, यानी कि इनका प्लेडर, और ये वो इंसान है जिसके ऊपर आरोप लगा, यानी कि एक्यूज। तो अब केस कैसे ओपन होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, ये कोर्ट से इजाजत लेंगे कि साहब हमको इजाजत चाहिए। क्या इजाजत चाहिए, कि हमने इस इंसान के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं, और उन आरोप को हम इस आधार पर साबित करेंगे कि ये गुनहगार है। किस आधार पे साबित करेंगे, किसके खिलाफ हमारे पास एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसा विटनेस है कि हम इसको गुनहगार साबित कर देंगे, और हमने इसके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं। तो अब हम मामले की सुनवाई के लिए, मामले के ट्रायल के लिए क्या चाहते हैं, इजाजत चाहते हैं। तो ऐसे फिर जज साहब क्या करेंगे, इजाजत दे देंगे, अब इजाजत है केस स्टार्ट करो। तो ऐसे फिर क्या होगा, केस स्टार्ट हो जाएगा। 227 डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब कि इन सबको सुनने के बाद, इसको सुनने के बाद, इसको सुनने के बाद, इनके एविडेंस देखने के बाद, इनके डॉक्यूमेंट देखने के बाद, अगर जज साहब को लगा कि भाई ये जो इंसान है ना, ये बेचारा बेकसूर है, इसके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए सही नहीं लगाए गए, ये तो मतलब कोई आधार बनता ही नहीं इसके ऊपर कार्रवाई करने का, तो फिर ऐसे में क्या कर देंगे, इसको डिस्चार्ज कर देंगे, इसको छोड़ देंगे कि जा सिमरन जिले अपने जिंदगी काचे काट। तो अगर लगा सारी चीज सुनने के बाद, इनको सुनने के बाद, इनको सुनने के बाद, सारे एविडेंस देखने के बाद कि भाई ये बेकसूर है, तो फिर इसको क्या कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। लेकिन अगर लगा कि हाँ भाई इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आधार है, कुछ ना कुछ इसने किया है, तो फिर क्या किया जाएगा, फिर चार्ज का फ्रेमिंग की जाएगी, उनको लिखा जाएगा, फ्रेमिंग किया जाएगा। देखिए कैसे फ्रेमिंग होता है, दो तरह की बात कहता है सेक्शन। मिटाऊं क्या, ये तो जरूरी है आपके लिए, अब मेरे पास वो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, यही है मेरी जो कलाकारी है। देखिए दो तरह की बात कहता है, पहली बात ये कहता है कि अगर सेशन जज को लगा कि भाई हाँ इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, इसके ऊपर मामला इसे चलाना चाहिए, लेकिन जो मामला इसके ऊपर जो लगाया गया है, यानी कि जो आरोप इसके ऊपर लगाया गया है ना भाई, उनकी सुनवाई तो मजिस्ट्रेट कोर्ट भी कर सकता है, उनके ऊपर तो मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई करेगा। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, दो तरह की बात कहता है, ए और बी। तो ऐसे में उस मामले को, यानी कि इन लोगों को कहाँ भेज देंगे, मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास में भेज देंगे, जाओ आप उस CGM के पास में जाओ, या फिर आप उस फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट के पास में जाओ, आपके मामले की सुनवाई वहां होगी, क्योंकि आप लोगों ने जो आरोप लगाए हैं उसके ऊपर मजिस्ट्रेट कोर्ट सुनवाई करेगी भाई, सेशन कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। तो इनको कहाँ भेज दिया जाएगा, वहाँ भेज दिया जाएगा। अब जिसके पास भेजेंगे, यानी कि जिस फर्स्ट कैटेगरी के मजिस्ट्रेट के पास में गए हैं, अगर किसी CGM के पास में गए हैं, तो वो इनको तारीख दे देगा कि भाई आप लोग उस तारीख को आ जाना, उस तारीख को हाजिर हो जाना, यानी कि उस तारीख को फिर आपके मामले की सुनवाई होगी। तो इनको एक तारीख मिल जाएगी, ठीक है, जैसे कोर्ट के अंदर तारीख मिलती है, तो कोर्ट के अंदर ये तारीख कैसे मिलती है, वही चीज़ तो सिखा रहा हूँ। अब इनके मामले की सुनवाई कैसे करेंगे, वो मजिस्ट्रेट साहब जिनके पास में मामला गया, तो इनके ऊपर मामले की जो विचारण किया जाएगा, जो ट्रायल किया जाएगा, वो वैसे ही किया जाएगा जैसे पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है, यानी कि 173 के ऊपर या फिर वारंट के ऊपर, वैसे ही। भले ही सेशन कोर्ट ने मामला वहां भेजा हो, लेकिन ट्रायल कैसे होगा, ट्रायल ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे ट्रायल कैसे होता है, तो यहाँ पर तो ट्रायल ऐसे होता ना कि अगर पुलिस को जाके किसी ने सूचना दी, तो पुलिस ने 156 के तहत लिख ली, फिर इन्वेस्टिगेशन कर दिया, इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर 173 की रिपोर्ट तैयार कर दी, चार्जशीट तैयार कर दी, और फिर जाते हैं मजिस्ट्रेट साहब क्या देखते, चौथी बात बताई थी 173 के अंदर, कि मजिस्ट्रेट साहब जाते ये देखते कि भाई जो एक्यूज है, अच्छा उसने जमानत नहीं ली है, तो फिर तो उसको जमानत के लिए तो बताओ, या फिर उसको कस्टडी में रखो, और अगर उसने जमानत ले रखी है तो या तो उसकी जमानत कैंसिल करो, या फिर उसकी कंटिन्यू रहने दो। तो ये चीज़ देखेंगे, तो वैसे ही मामले का ट्रायल चलेगा जैसे पुलिस रिपोर्ट पे और वारंट पे चलता है। तो पहली बात ये कहता है, पहले पॉइंट की ए बात। दूसरी बात ये कहता है कि अगर वहीं पे जो सेशन जज है उनको लगे, जो जज साहब है उनको लगे कि नहीं, मामले का जो विचारण है, मामले का जो ट्रायल हो, सेशन कोर्ट में ही चल सकता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं चलता है, तब ऐसे में, तो ऐसे में जो आरोप है फिर उनको लिखेंगे, ये देखो, और ये 5 फुट का पेन और ये कॉपी, ये देखो लिख, अरे यहाँ तक आने देते हैं पेन को, ये देखो ऐसे लिख रहे हैं कि इन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, और लगा कि भाई इन आरोप के ऊपर तो अब सेशन कोर्ट ही काम कर सकता है, तब ऐसे में फिर उन आरोपों को लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात कि जो आरोप लिखे हैं वो इसको सुनाए जाएंगे, ये इसके जो बड़े बड़े कान है ना, ये हाथी जैसे, ये देखो इनके अंदर वो साउंड भेजेंगे, ओ भाई साहब, ओ हेलो, सो रहा है या जिंदा है अभी तक, आपके ऊपर ये आरोप लगे हैं,
ठीक है, और फिर उनको सुनवाया जाएगा, उनको समझाया भी जाएगा कि भाई ये आरोप आपके ऊपर लगे हैं, ऐसे आपके ऊपर इन्होंने ये आरोप लगाए हैं, इस आरोप की आपको इतनी भी सजा हो सकती है, सारी चीज़ को समझाएगा। तो ये जो आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं क्या आप कबूल करते हैं, फिर इससे पूछेगा कि कबूल है कबूल है कबूल है, क्या तुझे इनकी बेवफाई कबूल है, क्या तुझे कबूल है कि इन्होंने ये आरोप लगाए हैं। तो ऐसे में फिर ये कबूल करेगा और ये कबूल ना भी करेगा, ये कह भी सकता कि हाँ मुझे कबूल है कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, हाँ मुझे कबूल है जी मेरे को लटका दो फांसी पे, मैं सब सहन कर रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं वो इनका सब सच है, ये लोग झूठ बोल ही नहीं रहे। लेकिन अगर ये कहेगा नहीं जी मैं कबूल नहीं करता हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए, मेरे को झूठा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इसको झूठा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और कल को अगर ये बाइज्जत रिहा हो जाता है, तब ऐसे में ये उनके ऊपर कौन से केस करवा सकता है, ये चीज़ अब मेरे को कमेंट में बताएंगे, इतने दिन से सीख रहे हो है ना, कुछ तो बता दिया करो। तो ऐसे चलेगा जी, ऐसे फ्रेमिंग होगा। ठीक है, फ्रेमिंग कैसे हुआ आई थिंक समझ में आया, चलो मैं लास्ट में रिपीट कर देता हूँ। 239 कन्विक्शन ऑन प्ले ऑफ गिल्टी, अगर ये कन्विक्शन ये भाई दोष सिद्ध है, ये बात ये मान लेता है कि हाँ साहब ये जो लोग कह रहे हैं मैं कबूल करता हूँ, कि मैं कबूल करता हूँ कि इन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो सब सच लगाए हैं, मैं मानता हूँ, तो अगर फिर कबूल करता है तो फिर उस चीज़ को लिख लेंगे, ठीक है कि हाँ ये इंसान कबूल करता है कि इसने आरोप किए नहीं, जजमेंट तो तैयार करना पड़ेगा ना भाई। और फिर जो सजा है यानी कि जो आरोप इसके ऊपर लगा है, उन आरोपों के अंदर क्या क्या सजा लिखी गई है, जो अपनी किताबों में आईपीसी के अंदर किसी और एक्ट के अंदर जो सजा लिखी गई है, उसी हिसाब से जज साहब इसको सजा देंगे, जिनको सही सही लगेगी यानी कि ठीक ठीक लगेगी। वो लड़कियाँ कहती है ना कि भैया थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, तो जज साहब थोड़ा ठीक ठीक ही लगाएंगे, टेंशन मतलब सजा देने के टाइम। जैसे मान के चलो 302 का मैटर है, 302 के मैटर में दो तरह की सजा होती है, एक होती है भाई आपकी उम्र कैद और एक होती है फिर आपकी फांसी, आपकी तो खैर नहीं, सजा दो तरह की होती है। ठीक है, अब ठीक ठीक लगाएंगे, अगर जज साहब को लगा कि भाई कबूल कर रहा है बंदा तो उम्र कैद दे देते हैं, और अगर लगा कि नहीं भाई ऐसे दरिंदे को उम्र कैद नहीं, ऐसे को तो फांसी पे लटकाओ, तो फिर फांसी पे भी लटका सकते हैं। इसी तरह 376 ए बी का मामला है, वहां पे भी यही सजा होती है, फांसी भी हो सकती है उम्र कैद भी हो सकती है। तो अगर इनको लगा कि नहीं भाई आजकल वो केस चला हुआ है भाई झारखंड के अंदर उस लड़की वाला पत्नी वाला, उस पत्नी में का क्या किया, सास ने 20,000 रुपये की सुपारी दे दी, और 20,000 रुपये में कत्ल करने वाले ने इतना बेरहमी से कत्ल किया है कि पूरे शरीर की पहले तो चमड़ी यानी कि जो अपनी स्किन है पहले तो इसको अलग किया, ठीक है, फिर पूरे शरीर के 22 टुकड़े किए, फिर किडनी भी निकाली है बंदे ने, किडनी निकाल के भी 2 टुकड़े किए हैं, हार्ट को अलग किया है। अरे भाई कत्ल कर रहा था क्या, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इतनी दर्दनाक मौत, नाखून नोच लिए, शरीर के टोटल 22 टुकड़े, किडनी के भी दो दो, अरे सलाद थोड़ी चीर रहा है भाई। तो ऐसे दरिंदे को सोचा कि भाई ऐसे को तो फांसी की सजा देनी चाहिए, तो ऐसे में फिर क्या कर सकता है, सेशन कोर्ट फांसी की सजा भी दे सकता है, लेकिन भाई सेशन कोर्ट के पास में तो फांसी की सजा देने की पावर ही नहीं होती है ना, पावर किसके पास में होती है, हाई कोर्ट के पास में होती है, और अगर सेशन कोर्ट को फांसी की सजा देनी हो तो वो क्या करेगी, परमिशन लेगी हाई कोर्ट से, और हाई कोर्ट से परमिशन कैसे लेती है, सीआरपीसी के सेक्शन, ठीक है जाके सीख लेना। तो ऐसे होगा, तो ऐसे कन्विक्शन अगर वो कर लेता है तो फिर जो उनको अच्छा लगेगा यानी कि ठीक ठीक लगाएंगे वो सजा दे देंगे और फिर वो जजमेंट तैयार करेंगे, अगर वो कबूल कर लेता है तो। लेकिन अगर वो कबूल नहीं करता है तब देखिए क्या होता है, 230 डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अगर वो कबूल नहीं करता है कि साहब मैं कबूल नहीं करता हूँ, इन लोगों ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, मैं साबित कर दूंगा कि ये लोग झूठे हैं, मैं इनको फिर फंसाऊंगा, इनके ऊपर फिर बाद में मैं भी केस करूंगा, अच्छे वाला केस करूंगा, अगर ये कबूल नहीं करता है तब एक डेट डिसाइड कर देंगे कि भाई जाओ और अपने अपने विटनेस लेके ले आओ, अपने अपने एविडेंस लेके आओ, विटनेस लेके ले आओ, और उस तारीख को मेरे सामने हाजिर हो जाना। मान के चलो आप आज आज 1 तारीख है, तो 15 दिन बाद यानी कि 15 तारीख का टाइम निर्धारित कर दिया, 15 तारीख को तुम लोगों को क्या करना है भाई, ये लोग ये तो कबूल कर ही नहीं रहा, ये तो भाई जो एक्यूज है ये कबूल नहीं कर रहा किसने अपराध किया है, तो आप लोग जिन्होंने इल्जाम लगाया आप लोग इसके खिलाफ में जो आपके पास में एविडेंस है या फिर जो आपके पास में विटनेस है उनको पेश करो 15 तारीख को, ठीक है, उनका एग्जामिनेशन करेंगे फिर आगे की कार्रवाई आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे ये लोग कहते हैं कि साहब एक विटनेस ऐसा है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसा एविडेंस है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी के पास है लेकिन वो हमारे कहने से नहीं आएगा या फिर हमारे कहने से उसको पेश नहीं करेगा, तो ऐसे में कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब आप ऑर्डर जारी कर दीजिए कि वो विटनेस आ जाए, वो अपने आके यहाँ पे गवाही दे दे। तो कैसे, जब इनके कहने पे नहीं आएगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेरे को लगा कि भाई इसी का सगा भाई है, ठीक है, मेरे को उसको बुलाना है, लेकिन भाई वो मेरे कहने से तो आएगा ही नहीं गवाही देने के लिए क्योंकि अपने भाई को क्यों फंसता देखेगा, तो ऐसे में मैं कोर्ट से क्या करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब इसके भाई को बुलाया जाए एज ए विटनेस,
ठीक है, या फिर इसके भाई के घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो उस सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाई जाए, मेरे कहने से तो देगा नहीं। तो ऐसे में फिर सेशन कोर्ट क्या कर देगी, ऑर्डर जारी कर देगी, फिर उसको मजबूरन आना पड़ेगा, वो एविडेंस लेके, या फिर वो अगर वो खुद विटनेस है तो एज ए विटनेस उसको आना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट क्या कर दी जाएगी, डिसाइड कर दी जाएगी कि उस डेट को आपको आना है। 231 एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, भाई अब वो तारीख आ गई, यानी कि आज 15 तारीख है, 230 में एक तारीख थी, आज 15 तारीख है, वो तारीख आ गई, तो वो तारीख आ गई तो अब क्या लेंगे, वो एविडेंस लेंगे। एविडेंस किससे लेंगे, इन लोगों से लेंगे। ठीक है, किसके लिए, ताकि प्रोसिक्यूशन को अब आगे बढ़ाया जा सके। तो अब जो भी एविडेंस ये लेके आए हैं उनको लिया जाएगा, और अगर ये वे किसी विटनेस को ऐसे लेके आए हैं तो इनके विटनेस को ऐसे लिया जाएगा, कौन से विटनेस, जो इनके समर्थन में है, जो इनके साइड में है, उन विटनेस को। साइड का मतलब क्या है, जो इनकी साइड लेंगे, यानी कि अगर कोई विटनेस आके कह दिया मैं तो इसकी साइड हूँ, तो उसको नहीं, पहले इसके वाले, जो इसके जो साइड वाले हैं, जो जो बात ये कह रहा है, इसके विटनेस भी वही बात कह रहे हैं कि हाँ जी ये आरोपी है, तो पहले इस वाले विटनेस को लिया जाएगा, उनको सुना जाएगा, उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, दो तरह की बात कहते हैं। और जितने भी विटनेस है, चाहे एक विटनेस हो या फिर पांच विटनेस हो, पहले क्या किया जाएगा, पहले उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा। अगर इस बीच में जो, अरे क्या खिचड़ी बना रखी है मैंने, बोल, अब डिजिटल बोर्ड नहीं है तो भाई क्या हुआ, देखो कोशिश तो कर ही रहे हैं, और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो कल को डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, तब तक के लिए अपनी कलाकारी तो देखो चली रही है। ये है, या फिर इसका ये प्लीडर है, कौन, ये एक्यूज का प्लीडर है। अगर कोई विटनेस है और उसका एग्जामिनेशन हो रहा है, एग्जामिनेशन कौन करेंगे, एग्जामिनेशन जज साहब करेंगे। कैसे करते हैं, ये चीज़ मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ कि आप जो भी कोर्ट में गवाही देंगे वो सच बताएंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे विटनेस का एग्जामिनेशन होता है, वे एग्जामिनेशन हो रहा है विटनेस कटघरे में, तो ऐसे में जो प्लीडर है, जो विरोधी पार्टी का प्लीडर है, वो भी तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकता है, वो भी तो ऐसे अपने क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब मेरे सर, सब मेरे को भी ऐसे ऐसे किससे क्वेश्चन पूछने हैं। तो इसको रोक दिया जाएगा, कब तक रोक दिया जाएगा कि भाई जब तक मैं इन सब का एग्जामिनेशन ना कर लूं, उसके बाद आप कर सकते हो, एक बार मेरे को टोक मत। तो जज साहब इसको टोक सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, क्यों भाई साहब रुक जा, एक बार पहले मेरे को तो एग्जामिनेशन कर लेने दे, फिर तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेना। तो ऐसे में पहले इसको रोक भी सकते हैं कि एक बार रुक। तो जितने भी विटनेस है, एक है, दो है, पांच है, पहले उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इसको सौंप भी दिया जाएगा कि हाँ अब आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर जज साहब को लगा कि उन विटनेस का दोबारा से फिर होना चाहिए एग्जामिनेशन, तो दोबारा भी एग्जामिनेशन ऐसे कर सकते हैं। तो ठीक है, ये चीज बताई गई है। और अगर क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, यानी कि ये जो प्लीडर है, एक्यूज का प्लीडर है, वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उन बयानों को और उन फैक्ट्स को एविडेंस भी माना जाता है। अब एविडेंस कैसे माना जाता है, तो ये बात लिख रखी है आपकी एविडेंस एक्ट 145 के अंदर, 145, हाँ करेक्ट, 145 के अंदर ही लिख रखी है। ठीक है, चलो छोड़ो। अच्छा, फिर क्या बात थी, तो ऐसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, यही बात थी ना कि हाँ, तो फिर उसको उसको बाद में परमिशन देंगे, पहले खुद एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 232 में एक्विटल। ठीक है, एक्विटल कब होगा भाई, एक्विटल का मतलब रिहा करना, बाइज्जत बरी करना, कि इन सबको सुनने के बाद, कि इनको भी सुन लिया, इनको भी सुन लिया, इन विटनेस को भी सुन लिया, सारे एविडेंस देख लिए, और उनके देखने के बाद ये जजमेंट तैयार होता है, ये डिसाइड तैयार होता है, ये डिसाइड होता है, ये कंक्लूजन निकलता है कि भाई ये तो निर्दोष है, इसने कांड नहीं किया है, ये बेचारा बेगुनाह है, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, फिर इसको एक्विटल कर दिया जाएगा, इसको रिहा कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा कि जा सिमरन जिले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो भाई ये कहता है आपका सीआरपीसी का चैप्टर 18 कि कैसे कोर्ट के अंदर सेशन कोर्ट में मामले चलेंगे और फिर कैसे उनका विचारण होगा और कैसे उसकी बहस चलेगी, ये चीज सीखनी है तो अगली क्लास सीख लेना। देखिए क्या कहता है, 225 में कंप्लीट रिवाइज कर देता हूँ कि मामले को कंडक्ट कौन करता है सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट में मामले को कंडक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता है। और केस को ओपन कैसे किया जाएगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, ये कोर्ट की इजाजत लेगा कि साहब हमने इसके ऊपर ये आरोप लगाए हैं और इन आरोपों को हम ऐसे साबित करेंगे, तो अब आपको मामले की ट्रायल के लिए हम आपको आप हमको क्या दीजिए, इजाजत दीजिए। ठीक है, सारी बातें सुनने के बाद, इनको सुनने के बाद, इनको सुनने के बाद, इनके पास जो एविडेंस है वो देखने के बाद अगर लगा कि भाई इसके ये तो बेगुनाह है, इसके ऊपर कोई झूठा आरोप लगाया गया है, तो फिर इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर लगा कि नहीं, इसके ऊपर आरोप सही लगे हैं, मामला चलाना चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर फ्रेमिंग कर दिया जाएगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज वो कैसे होगा, कि वो ऐसे होगा कि अगर इनको लगा
कि भाई जो आरोप इन लोगों ने लगाए हैं वो उन मामलों की सुनवाई कौन करता है, मजिस्ट्रेट कोर्ट करता है। तो फिर इनको कहाँ भेज देगा, मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास में भेज देगा और मजिस्ट्रेट कोर्ट इनको तारीख दे देगा कि उस तारीख को आ जाना, ठीक है। अगर इसको लगा, यानी कि सेशन जज को लगा कि भाई मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट ही कर सकता है, तब ऐसे में फिर वो लिखता चला जाएगा जो जो आरोप इसके खिलाफ इन लोगों ने बताए हैं। देखो लिख भी रहा है, अभी भी लिख रहे हैं साहब, तो लिखते चले जाएंगे और फिर इसको पढ़ के सुना देंगे, समझा देंगे और फिर इससे पूछ भी लेंगे कि क्या तेरे को कबूल है जो इन लोगों ने आरोप लगाए हैं। अगर ये कबूल कर लेता है तो अच्छी बात है, और अगर कबूल नहीं करता फिर आगे का मामला चलेगा। आगे क्या मामला चलेगा? कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। अगर ये कबूल कर लेता है तो बस फिर इसको सजा दे देंगे जो इनको ठीक ठीक लगेगी, और इस चीज़ को लिख दिया जाएगा यानी जजमेंट तैयार कर दी जाएगी, डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। और अगर ये मना कर देता है कि साहब नहीं झूठा आरोप है, तब वो तारीख डिसाइड कर देंगे इन लोगों के लिए कि आप अपने विटनेस लेके आओ, क्योंकि आरोपी अब आपको साबित करना है। इसने तो मना कर दिया कि मैं आरोपी नहीं हूं, तो अब आप लोग साबित करोगे ये आरोपी हो, तो उसके लिए जो आपके पास में विटनेस एविडेंस उसी को पेश करो, ठीक है। तो फिर एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, और ऐसे में 230 के तहत अगर कोई ऐसा विटनेस ये बुलाना चाहते हैं जो इनके कहने से नहीं आएगा, तो ऐसे कोर्ट के कहने से बुलवा सकते हैं। 231, अब वो तारीख आ गई भाई जिस तारीख को पेश करने हैं डॉक्यूमेंट या फिर जो विटनेस है, वो तारीख आ गई तो एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, तो उसके लिए फिर क्या लिए जाएंगे, सारे एविडेंस लिए जाएंगे और ऐसे ये विटनेस लिए जाएंगे, उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, और एग्जामिनेशन के पहले उनका किया जाएगा जो इसके साइड में है, और जितने भी एविडेंस है जो इसके समर्थक में उनको ले लिया जाएगा, और जितने भी विटनेस है उनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, और एग्जामिनेशन के बीच अगर ये क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है तो पहले इसको रोक दिया जाएगा, भाई रुक जाए एक बार, पहले मेरे को कर लेने दे, और अगर सभी को देखने के बाद लगता है कि हाँ ये बेकसूर है तो इसको बाईज़त रिहा कर दिया जाएगा, जजमेंट आ जाएगी कि इसको बाईज़त रिहा किया जाता है। और अगर किसी को बाईज़त रिहा किया जाता है फिर अब ये इनके ऊपर कौन से केस कर सकता है, ये चीज़ आप मेरे को बताएंगे। तो ये था आपका सीआरपीसी का चैप्टर 18 के कुछ सेक्शन, कुछ अगली क्लास में कवर कर लेते हैं। थैंक यू भाई।